एटीट्यूड, कलम की ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्ण देश न्यूज। प्रस्तुत है रविवार की 10 अहम खबरें। पीलीबंगा में प्लस पोलियो अभियान के दौरान सभी बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई प्लस पोलियो की दवा। सीएचसी पीलीबंगा में पालिका अध्यक्ष सुखचैन सिंह रमाना व बीसीएमओ डॉक्टर मनोज अरोड़ा विनोद गोठवाल ने बच्चों को प्लस पोलियो दवा पिलाकर की इस अभियान की शुरुआत। इस दौरान एएनएम एसोसिएशन जिला अध्यक्ष निशा शर्मा, धर्मपाल छिम्पा, अमनदीप कंग सहित सीएचसी पीलीबंगा का स्टाफ रहा मौजूद। उपखंड क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम पंचायत डिंगवाला में प्लस पोलियो अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई प्लस पोलियो की दवा। इस दौरान जिला परिषद डायरेक्टर अमनदीप कंग का रहा विशेष सहयोग। उपखंड क्षेत्र पीलीबंगा के ग्राम पंचायत डबलीवास मिड्डा की रोही में डॉक्टर संगीता पंवार ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर किया इस अभियान का शुभारंभ। इस अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनियों का रहा विशेष सहयोग। प्लस पोलियो अभियान के दौरान नगर पालिका क्षेत्र पीलीबंगा के वार्ड नंबर 9 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई प्लस पोलियो दवा। इस दौरान एएनएम एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष निशा शर्मा, एएनएम जसवीर कौर, आशा सहयोगिनी निशा मित्तल, सहायिका वंदना पारिक, सीएचए रेणु रानी, सीएचए परमीत सिंह सहित बिमला देवी मौके पर रही मौजूद। यह खबर भी उपखंड क्षेत्र पीलीबंगा से है, जहां पर वुमेन पावर सोसाइटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका अरोड़ा के आदेशानुसार व हनुमानगढ़ ग्रामीण जिला अध्यक्ष बजरंग शर्मा की अनुशंसा से पीलीबंगा के निवासी निशा शर्मा को ग्रामीण जिलाध्यक्ष महिला विग हनुमानगढ़ के पद पर नियुक्त किया गया है। ज्ञात रहे निशा शर्मा की इस नियुक्ति से पूरे पीलीबंगा क्षेत्र में खुशी की लहर है तथा इस दौरान निशा शर्मा को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ज्ञात रहे निशा शर्मा शुरू से ही समाज सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है। पीलीबंगा पुलिस द्वारा भारी अफीम सहित 3 व्यक्ति गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में पीलीबंगा पुलिस ने 3 व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों से भारी मात्रा में अफीम सहित गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी इंद्र कुमार ने बताया कि 3 किलोग्राम अफीम सहित मुलजिम कृष्णलाल पुत्र सहीराम बिश्नोई निवासी वार्ड नंबर 33 पीलीबंगा को तथा नील कुमार पुत्र शेराराम जाट, सुहास पुत्र सहीराम जाट निवासी खेत खुद रोही चक 5 KKW रोड़ावाली को 50 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। यह खबर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से है। वरिष्ठ पत्रकार श्री राजू रामगढ़िया और श्री योगेंद्र पाल सिंह के पिता सरदार सुरजीत सिंह रामगढ़िया की 11वीं पुण्यतिथि पर ह्यूमन सोशल फाउंडेशन द्वारा SKD यूनिवर्सिटी के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। SKD यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित किए गए शिविर में कुल 201 यूनिट रक्तदान किया गया। जंक्शन के लाइफ लाइन ब्लड बैंक और टाउन के सारण ब्लड बैंक द्वारा रक्त का संग्रह किया गया। पत्रकार श्री राजू रामगढ़िया ने बताया कि रक्तदान शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्री जितेंद्र गोयल, श्री बलबीर बिश्नोई, श्री भूपेंद्र चौधरी, जिला चिकित्सालय के पूर्व PMO डॉक्टर MP शर्मा पुरोहित, ब्लड बैंक श्री गंगानगर के प्रभारी डॉक्टर विष्णु पुरोहित, NM ला कॉलेज के छात्र संघ उपाध्यक्ष श्री अभिषेक शर्मा, अमरपुरा तेड़ी सरपंच श्री रोहित स्वामी, पार्षद श्री भूपेंद्र नेहरा और समाजसेवी श्री नवनीत पुनिया ने विशिष्ट अतिथियों के रूप में शिरकत की। लायंस क्लब पीलीबंगा द्वारा रविवार सुबह आनंद बिहार कॉलोनी में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी अशोक गोयल ने बताया कि इस शिविर में करीब 100 लोगों की शुगर व BP की जांच निःशुल्क की गई। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष राजेश जैन, विकास सचदेवा, रमन बागला, हनी मरेजा, आशु गर्ग व शमी गर्ग सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम प्रभारी ने बताया कि इस शिविर का आयोजन प्रत्येक रविवार को प्रातः 7 से 9 बजे तक किया जाएगा। यह खबर ग्राम पंचायत जाखड़ा वाली से है, जहां पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को प्लस पोलियो की दवा पिलाने का कार्यक्रम बड़ी ही तीव्र गति से जारी रहा। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान पुलिस विभाग से अमना चौधरी सहित स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को प्लस पोलियो की दवा पिलाकर अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाया गया। पोलियो दिवस पर रविवार को UNDP के प्रोजेक्ट मैनेजर योगेश शर्मा द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ पोलियो रोधी दवा पिलाई गई तथा इस दौरान इनके द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को उक्त दवा पिलाते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की कड़ाई से पालना करने का आह्वान किया गया।